वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 5, प्रश्न 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। देखिए, ये जो नीचे 6 संख्याएं दी गई है, देखिए क्या करेंगे। पहले हम इसका 252 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपको आप जानते ही हो। ऐसे करेंगे, इसको छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये जाएगा 126। फिर 2 से भाग देंगे तो 63 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 21। फिर 3 से जाएगा तो आ गया 7। अब 7 के बाद में हम 7 से देंगे तो 1 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या जोड़े बनते हैं। 2 का बनता है, 3 का बनता है, लेकिन 7 का कोई जोड़ा नहीं है। अगर इसको स्क्वायर, पूर्ण स्क्वायर अगर होता, ठीक है ना, तो यहाँ एक जोड़ा होता है 7 के साथ में, एक 7 और होता, या जो भी संख्या होती है उसके साथ में 2 संख्याएं होती। इसका मतलब ये जो संख्या है 252 है, 252 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर यहाँ पर 7 और हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 7 और हों तो ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 252 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 7 2 14, 7 2 14, रात की 1, 7 5 35 और 1 36, 3 रहा, 7 2 14 और 3 17, 1764। अब ये जो 1764 है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा। देखिए, ये 8 टाइम्स किया, ये 8, ये 2, फिर ये 2 रखा, ये 4 4 1। अब ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा तो 1 और 4 और 7, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 9। अब ये 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 7, और फिर 7 से कटेगा तो 1। अब आपके जो है 2 3 और 2, यानी कि 2 × 3 × 7, तो ये क्या हो गया, 3 2 6 and 7 42, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 42। अब ये आपका आंसर आया। इसमें क्या है, दो चीज़ें पूछी है कि पहले तो वो छोटी छोटी संख्या, पूर्ण संख्या बताइए जिससे गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो वो कौन सी संख्या है, 7 है। 7 वो संख्या है जिससे गुणा करने पर ये 252 है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब पूर्ण वर्ग जब बन गया तो उसके जो है आपको वर्गमूल निकालना है, तो उसका वर्गमूल आया 42। अब इसका पार्ट टू देखिए, 180 उसी तरह से करेंगे हम। 180 का हमने वर्गमूल निकाला, ये 90 हो गया, फिर 2 से 45 हो गया, फिर 3 से 15 हो गया, और फिर 5 से, फिर 3 से 5 हो गया, और अब 5 से 1 हो गया, 2 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा हो गया, 5 अकेला रह गया, तो हमें 5 का साथी चाहिए। 5 का साथी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 5 का साथी मिल जाएगा। देखिए, इसको हमने कर दिया तो हो गया 900, ठीक है। अब हम 900 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए, ये कितने 2 से कट जाएगा, 450 हो जाएगा, फिर 2 से कटा, 225 हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इधर 5 आ गया। अब 3 से काटेंगे तो ये क्या, 7 3 21 और 5, फिर 3 से 25। अब 25 को फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपके जो है 2 3 और 5, ठीक है, 2 × 3 × 5, यानी 5 3 2 6 3 2 6 और 6 5 6 30, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या है, पूर्ण, ये जो सबसे पहले जो ये आपका आया 5, ये क्या आया, ये वो संख्या आएगी जिसे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है, ये 5 है। दूसरा आंसर है कि जो प्राप्त संख्या हुई उसके बाद में जो है इसका वर्ग मूल क्या है, तो वो 30 हुआ। क्लियर। अब इसका पार्ट 3 लीजिए। पार्ट 3 में क्या है, 1008, आपको उसी तरह से इसका वर्गमूल निकालना है। 2 से काटेंगे सबसे पहले, 504 हो गया, इसका आधा हो गया, फिर 2 से काटेंगे, इसका आधा हो जाएगा 252,
फिर 2 से काटेंगे तो 126 हो जाएगा, फिर 2 से काटे तो 630 हो गया। अब आप 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर आ गया है, तो अब 3 से कटेगा तो ये हो गया 2 1, फिर 3 से कटा तो ये आ गया 7, और फिर 7 से कटा तो आ गया 1। ये 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, फिर 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। इसीलिए हम 1008 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ताकि 7 का जोड़ा भी बन जाए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 7 56, और ये हो गया 70 10 7 70 7 5 6। अब इसका हम निकालेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, उसी तरह से जैसे इसका निकाला, ये 2 से निकाला तो 3 5 2 8 हो गया इसका, फिर आपको 2 से निकाला तो ये हो गया 1 7 6 4। ठीक है, फिर 2 से निकाला तो ये हो गया 8 8 2, फिर 2 से निकाला तो 4 4 1। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ओड नंबर आ गया, तो 3 से काटेंगे, 3 से काटा तो 1 हो गया और 4 हो गया और 7 हो गया। अब फिर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 4 और 9, फिर 7 से कटा तो ये हो गया 7, और फिर 7 से कटा तो हो जाएगा 1। अब आप देखिए 2 2 3 7, ये आपके जोड़े बन गए 2 × 2 × 3 × 7। गुणा कर दीजिए, 2 को 2 से किया 4 हो गया, 4 को 3 से गुणा किया 12 हो गया, 12 को 7 से गुणा किया 84 हो गया। ठीक है, 84। तो क्या आंसर आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, 7। वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है, वो 7 है, छोटी से छोटी। दी स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, वो है दैट इज 7। और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर शो ऑब्टेंड, तो इसके बाद में जो स्क्वायर नंबर, ये नंबर आया उसका स्क्वायर रूट आया 84। दिस इज द सेकेंड आंसर। क्लियर, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, 2028 है, तो इसको फिर हमने इसको करेंगे 2 से, तो ये 1014 हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, फिर 2 से किया 507 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, इसे किया तो ये क्या हो गया 3 1 3 2 0, तो ये हो गया 6 और 9। फिर 3 से किया तो 5 हो गया और ये 19 नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटने वाला है, ओके 5 हो गया, फिर 19 बचा तो 3 से नहीं कटेगा, तो इसको किससे काटेंगे, दूसरी संख्या कौन सकती है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, आपको 9 मिले, तो या तो 3 हो सकती है या 7 के टेबल में 9 आता है, तो 7 से करेंगे तो आपको ये तो नहीं आएगा, तो इसको तो आप मिटा दो, ठीक है, पहली बात तो ये 3 नहीं आएगा। थ्री से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 और 9 है, इसलिए 3 से कटेगा ये, तो 9 तो 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं आएगा, उसके बाद 9 से कटेगा, 9 से भी ये इसका 9 9 9, उसके बाद 7 बचा नहीं कटेगा, ये कटेगा 13 से, ठीक है 13 से कटेगा, तो ये 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 169 आ जाएगा। ठीक है, 13 39 7 3 13 8 16, ठीक है, तो अब आपका ये आ जाएगा 13। ठीक है, और फिर 13 से कटेंगे तो ये आ गया आपका 1। अब देखिए 2 का जोड़ा बन गया आपका 13 का बन गया, 3 का नहीं बना, इसका मतलब 3 अकेला रह गया, तो इस 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये 3 भाई भाई, तो इसका एक भाई और मिल जाएगा, ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जोड़ा बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2028 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, इसका जोड़ा बनाने के लिए 3 से करेंगे तो कितना हो गया, 8 3 8 3 24, बचा 2 7 2, ये 6 और 2 8। ठीक है, ये 0 का 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, 6084 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 3042, फिर 2 से काटा तो वह 15 हो गया, ये 21 हो गया, फिर 3 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, ठीक है, और 507 हो गया, 1521 हो गया, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 1, और बचा 20 का हो गया 6,
और 27 का हो गया 9, अब हमको 13 से काटेंगे तो ये हो गया 100, ये हो गया 13 169 और फिर 13 से काटेंगे तो आपका आ गया 1. अब आपके ये हो गए 2, 3 और ठीक है 2 × 3 × 13 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3×2 = 6 और 13 को 6 से 13 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे 13, 26, 39, 52, 65, 78 ठीक है तो ये हो गया 78. ये क्या हो गया इसका वर्गमूल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड. स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड कौन सा है ये इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो गया ये. और पहला जो आंसर था वो कौन सी स्मॉलेस्ट संख्या है वो संख्या है 3. क्लियर. पार्ट 5, 1 for 58 वर्गमूल निकालिए 2 से काटिए 729 आधा कर दो इसका. अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर ओड फिगर आ गया है तो अभी 3 से काटेंगे इसको. 3 से 3, 2 = 6 फिर 12 बचा 12 का मतलब 4 हो गया और ये हो गया 3, 3 = 9 फिर 3 से काटा तो ये कितना हो गया 81. फिर हमने इसको 3 से काटा तो 27 फिर 3 से काटा तो 9 फिर 3 से काटा तो 3 और फिर 3 से काटा तो 1. अब जोड़े बनाइए 2 का जोड़ा नहीं है 3 का है 3 के 2 जोड़े हैं और 2 का जोड़ा नहीं है इसका मतलब इसको साथी चाहिए इसको पार्टनर चाहिए इसको पेयर चाहिए इट शुड बी पेयर्ड. इसके लिए क्या करेगा इसको हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा तब इसको जोड़ा मिलेगा. तो 1, 4, 5, 8 को हम 2 से और गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 इसमें और आ जाएगा ठीक है. पहले इसके ऊपर पहले आ जाएगा इसको घटाएंगे देखिए 8, 1, 2, 16 हो गया ये हो गया 29 और 16. अब 29, 16 को अगर ऊपर रखेंगे हम ठीक है तो क्या होगा 1, 2 से और कट जाएगा फिर ये आ जाएगा तो अब बन जाएगा. देखिए आपको करके बता देते हैं 2, 9, 1, 2 से काटा तो कौन सा आ जाएगा ये आ जाएगा क्योंकि अभी मल्टीप्लाई किया था ना अभी तो ये आ जाएगा 1, 4, 5, 8 बस फिर बाकी सारा वही चलेगा आपका जो पहले चला था. ये 2 एक और मिल गया हमको तो फिर इसको 3 से काटा तो ये हो गया आपका 243 फिर 3 से काटा तो ये हो गया 81 फिर 3 से काटा 27 फिर 3 से काटा 9 फिर 3 से काटा 3 फिर 3 से काटा 1. अब ये 2 को जोड़ा मिल गया 2, 3, 3, 3 ठीक है 2 × 2, 3 × 3 × 3 तो 3, 2 = 6 6, 3 = 18 18, 3 = 54 ये इसका हो गया आंसर ठीक है. पहला आंसर क्या है 2 जिससे संख्या को गुणा किया जाए मिनिमम वो छोटी से वो छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जिससे गुणा किया जाए को पूर्ण वर्ग बन जाए तो ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग तब बन जाएगी जब इसको 2 से गुणा करेंगे. ये हो गया पहला आंसर. दूसरा आंसर हो गया इस संख्या का वर्गमूल निकालना है ये हो गया 54. पार्ट 6 में क्या है 768 है बस वही प्रक्रिया शुरू कर दीजिए आप बहुत सिंपल सा काम है. ये हो गया आपका 2 से काटा तो ये 3, 2 = 8, 4 ये हो गया फिर 2 से काटा तो ये 1 हो गया और ये 9 हो गया और ये 2 हो गया फिर 2 से कट जाएगा तो 8 ये हो गया 9, 2 = 18 और 6, 2 = फिर 2 से काटा तो 48 फिर 2 से काटा 24 फिर 2 से काटा 12 फिर 2 से काटा 6 फिर 2 से काटा 3 ओके 2 से काटा 3 और 3 को फिर 2 से नहीं कटेगा ये कटेगा 3 से तो 1 आ जाएगा. अब देखिए ये जोड़ा हो गया ये जोड़ा हो गया ये जोड़ा हो गया ये जोड़ा हो गया 4 तो आपके पेयर बन गया 3 का पेयर नहीं बना 3 अकेला रह गया. 3 का पेयर बनाने के लिए आपको 768 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके तो 8, 3 = 24 2 बचा 6, 3 = 18 और 2 = 20 और 7, 3 = 21 और 21 and 2 = 23 ये हो गया आपका 2304. अब इस संख्या का जो वर्गमूल आपको निकालना है यहाँ लिखिए 2304 यहाँ आप डालिए 2 से 1 इसका 30 का आधा 15 4 का आधा 2 फिर 2 तो ये हो गया 5 ठीक है 1 बचा 15 7 फिर 1 बचा 6
फिर 2 से काटिए तो कितना हो गया 2, 17 का 8 और 8, फिर 2 से काटिए इसका आधा कर दीजिए 14, फिर इसका आधा कर दीजिए 72, फिर इसका आधा कर दीजिए 72 का 36, 36, फिर 36 से 18 हो गया, 18 से किया आपने तो हो गया 9, 9 दो से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो आ जाएगा 3, और फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 2, 2, 2 और ये 2 और 3, ये आपके जोड़े बन गए 2 के 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 तो 2 हो गए और 1 3 का हो गया, गुणा कर दीजिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, ये 48 क्या आया, ये आया वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर कौन सा जो हमें मिला पहले वाली जो संख्या में, जो मिनिमम जो छोटी संख्या थी, ठीक है, उसको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें नंबर मिला, यानी 3 था, पहला आंसर 3 था, दूसरा आंसर 48, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।